नमस्कार। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 का फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण लीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा इसके तीन भाग है। पहला भाग है कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हो, यानी क्यू पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात के बराबर हो, ऐसे उदाहरण लेने हैं। दूसरा, जिसमें घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स हो, क्यू एक्स की घात भाजक की घात शेषफल की घात के बराबर होनी चाहिए, सॉरी भागफल की घात शेषफल की घात के बराबर होनी चाहिए। और तीसरा, घात आर एक्स बराबर जीरो, यानी शेषफल की घात जीरो के बराबर होनी चाहिए। ऐसे हमने तीन अलग अलग उदाहरण या तीन उदाहरण हमने देने हैं। तो पहला देखिए, घात पी एक्स घात क्यू एक्स के बराबर हो, इसका मतलब पहले समझो। पी एक्स होता है जिसे भाग किया जाना है, क्यू एक्स होता है जो भागफल है। इन दोनों की घात कब बराबर हो सकती है? पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात के बराबर तभी हो सकती है यदि भाजक जी एक्स की घात जीरो हो, यानी जी एक्स कोई भी एक संख्या हो। उदाहरण ये देखिए, पी एक्स को हमने लिया 4x² + 8x + 6। जी एक्स की घात जीरो होनी चाहिए, यानी एक्स की घात यहाँ जीरो होनी चाहिए, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे जी एक्स को ले लिया 2। तो जब पी एक्स को जी एक्स से भाग करूंगा, 4x² + 8x + 6 को 2 से भाग करूंगा, तो क्लियरली इसमें से 2 कॉमन ले लो तो बाकी बच जाएगा 2x² + 4x + 3। 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा तो क्यू एक्स आ गया 2x² + 4x + 3। अब यहां से आप देखेंगे तो पी एक्स की जो घात है वो है 2, क्यू एक्स की जो घात है वो है 2। यही हमें ऐसा ही तो एक उदाहरण लेना था जहां पर पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात के बराबर हो। तो देखो यहाँ पे पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात के बराबर है। ये हमारा फर्स्ट भाग हल हो गया। दूसरा भाग, घात क्यू एक्स बराबर हो घात आर एक्स के, यानी जो भागफल है उसकी घात शेषफल की घात के बराबर हो। यह तभी बच्चों संभव है जब पी एक्स की घात जी एक्स की घात के समान हो, यानी कि जिसको भाग करना है और जिससे भाग करना है दोनों की घात एक बराबर हो। इसका उदाहरण हमने देखो यहां लिया है, पी एक्स लिया है 2x² + 6x + 9 और जी एक्स लिया है x² + 3x + 2। इनको जब आप आपस में भाग करेंगे, मैंने यहां नहीं दिखाया, आप आपस में भाग करके देखेंगे तो आपके पास क्यू एक्स आ जाएगा 2 और आर एक्स आ जाएगा 5। तो क्लियरली आप यहां देख पा रहे हैं क्यू एक्स की जो घात है वो है एक्स की पावर 0, आर एक्स की जो घात है वो भी है, ये लिखना नहीं है सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। तो यहां भी x वाली रकम नहीं है, यहां भी x वाली रकम नहीं है, इसका मतलब यहां भी x की पावर 0 है और यहां भी x की पावर 0 है। इसका मतलब क्यू एक्स की घात है 0 और आर एक्स की भी घात है 0। यही हमें सिद्ध करना था कि क्यू एक्स की घात आर एक्स की घात के बराबर हो। तो यह इस भाग में हो गया। तीसरा है, घात आर एक्स 0 हो। तो ये हम अभी तो करके हटे ना, कि हमने ये उदाहरण लिया तो इसमें आर एक्स की जो घात है वो 0 आई, तो मैंने यही उदाहरण दोबारा दे दिया कि भाग 2 में पी एक्स बराबर जो मैंने ऊपर लिया था 2x² + 6x + 9, जी एक्स बराबर x² + 3x + 2, तो क्यू एक्स आएगा 2 और आर एक्स आएगा 5। तो यहां पर आर एक्स की जो घात है वो है x की पावर 0, ठीक है, इसका मतलब आर एक्स की घात है 0। तो ये हमने तीन उदाहरण लेने थे और तीनों उदाहरण हमने लेकर जो हमसे कहा गया था सिद्ध करने को, वो हमने उदाहरणों की मदद से सिद्ध कर दिया है। जहां से हमने उदाहरण लेकर इसे सिद्ध किया है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से समझिए। धन्यवाद।